शान प्रेजेंट्स आज का तड़का। DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell 'em play that shit again. Tell 'em that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Dollar DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell 'em play that shit again. Tell 'em turn up the bass. अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मजे मजे की चीजें होने वाली हैं, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनने वाली है और इंफॉर्मेशन ऐसी कि आप से सारी जिंदगी याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं आप। ठीक है जी, तो आज हमारे पास रेसिपी क्या है जी, हमारा छोटा शेफ, मजेदार सा शेफ जो है वो कह रहा है कि आज जो है काबली पुलाव है बनने वाले और साथ में काबली हलवा मीठा जो है दो चीजें बनेंगी और बहुत ही मजेदार रेसिपीज हैं दोनों और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इससे। और आज की इंफॉर्मेशन मैंने जैसे कहा है कि आप हमेशा याद रखेंगे, ये है बनाना केला जो पूरी दुनिया में हर जगह पर दस्तियाब है और 12 महीने दस्तियाब होता है, बहुत ही सस्ता आसानी से मिलने वाला फल। इसे पूरी दुनिया में कहा जाता है गरीबों की एनर्जी, गरीबों की एनर्जी है ये। अक्सर लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको पीने से, इसके जूस वगैरह या शेक पीने से इंसान मोटा हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आज से खत्म कर दें। दो बहुत ही अहम चीजें हैं जो मैं प्रोग्राम के एंड में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले तो ये आप सोच लें कि इसकी एक चाय बनेगी उन लोगों के लिए जो लोग रात को नींद सोचते हैं, दवाइयां खाते हैं और उनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए एक इसकी चाय बनने वाली। कैसे बनेगी ये हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। और एक ड्रिंक बनाएंगे जो आपके मसल्स को मजबूत करेगी और इसके साथ साथ जब भी आप कोई मेहनत का काम करें और आप सोचें कि यार एनर्जी के लिए कोई ड्रिंक पीनी चाहिए, बहुत सारी ड्रिंक मार्केट में मिलती है, वो ड्रिंक छोड़ दें, आप बनाना से पूरी एनर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के बहुत सारे मसले मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है और उन लोगों के लिए जो लोग दिल की परेशानी से मजबूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मेदे को, बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तवानाई देता है। कैसे देगा ये सारी चीज़ें होंगी प्रोग्राम के एंड में। जी चलते हैं काउंटर की तरफ और हमारे पास कॉलर है दुआ। अस्सलाम वालेकुम कराची से। जी दुआ कर रहे हैं हम, दुआ करने वाले जी। क्या हाल है सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मजे का। एक तो आपकी एनसी बहुत अच्छी होती है और दूसरा आपकी माशाल्लाह से जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं जी बहुत जबरदस्त होती है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुकिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जी बिल्कुल जबरदस्त आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आज कोई क्वेश्चन नहीं है? आज इस क्वेश्चन ये है के शान मसाले का एक कमर्शियल चल रहा है टीवी पे जी। उसमें 6 मसाले दिखाए गए हैं, ठीक है, तो उनके नाम आपने बताने। गरम मसाले से मसाले लौंग है, काली मिर्च है, इसके अलावा दालचीनी है, जीरा है, इलायची है, मोटी इलायची, छोटी इलायची है और यही है लाल मिर्च। ठीक है चले हम कर लेते हैं जी दुआ और ठीक है। असल में मसला ये है कि अभी हमने जो हमें जो हिदायत मिली है वो ये कि फेसबुक पे हमने
सारे नाम डाल दिए थे जो वो थे अपना विनर्स, लेकिन ये असल में सिलसिला जैसे हमें ब्रांड कहेगा वैसे ही हम करते हैं, इसलिए कि फेसबुक पर आज का आज इंटरटेनमेंट के फेसबुक पर जाइएगा, वहां पर इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में नाम डाल दिया जाएगा और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा उसको ये एक गिफ्ट पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत ही मजेदार कॉल थी, बहुत इंजॉय किया हमने। और चलते हैं कुकिंग की तरफ और बनाते हैं काबली हलवा, लेकिन नहीं काबली पुलाव। लेकिन पुलाव बनाने से पहले आप लोगों ने कहा कि कुछ मसाला भी बता दिया करें पुलाव का, तो चलें पहले हम मसाला बनाते हैं और उसके बाद पुलाव। जी नाज़रीन, तो यहाँ मेरे पास मजे मजे की चीजें मौजूद हैं। ये मसाला आप बनाकर एक दफा रख लें, जब भी आपको पुलाव बनाना हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं मजेदार तरीके से। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास है दालचीनी और सौंफ, काली मिर्च, इसके साथ जीरा, ये देखें सौंफ है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है और छोटी इलायची है और ये मेरे पास जायफल जावित्री है। ठीक है जी, इन तमाम चीजों को हमने मिक्स करके पाउडर बनाना है और एक किसी जार के अंदर रख लेना है। जब भी आपको पुलाव बनाना हो इसमें से मसाला निकालें और पुलाव तैयार कर लें मजेदार सा। ठीक है जी, दोबारा से चले जी, ये मसाला हमारा तैयार हो गया है और यहां चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पुलाव। पुलाव के लिए हमने लेना है मजे मजे का घी, इसलिए कि पुलाव जाहिर बात है देसी खाना है, देसी खाना जरा देसी स्टाइल से बने तो फिर मजेदार होता है। तो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, बहुत ही जबरदस्त। और इसमें हम डाल देंगे प्याज। ठीक है जी, मैंने दो दरमियानी प्याज लिए और उसको स्लाइस में काट लिया और इसे हमने शामिल कर दिया है घी में, और घी के साथ थोड़ी सी प्याज को हमने करना है ब्राउन। ठीक है जी, चले, और इसे अच्छा अच्छा ब्राउन करने के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा नमक। नमक आप जब डालते हैं तो जो प्याज होती है वो क्रिस्पी बनती है, और शान जरा जरा खालिस नमक जो है ये मौजूद है जो आपके खाने का फ्लेवर को मजेदार बनाता है। पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, कुछ भी बनाए, और चाइनीज खाने बनाए, कुछ भी बनाए, इसमें आप जो शान का ये नमक है जरा जरा खालिस इसको इस्तेमाल करेंगे तो मजेदार टेस्ट जो है बनेगा। तो इसमें आपने क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा आपने इसमें इस्तेमाल करना है नमक, और इससे क्या होगा कि आपकी प्याज जल्दी से क्रिस्पी होगी और ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, ये मैंने लिया हल्का सा चुटकी चुटकी नमक और इसको मैंने प्याज के साथ मिक्स किया, और इसे हमने एक दफा चमचा चलाने के बाद जल्दी आप ब्राउन करने के लिए इस पे आप लगा दें ढकना। खुली जगह पर करेंगे तो प्याज बहुत देर लेगी ब्राउन होने के लिए, ढक्कन बंद करके करेंगे तो जल्दी से इसके अंदर स्टीम पैदा होगा, ये नरम होगी और जल्दी से कड़क भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप मजेदार तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बनाएंगे, इसमें आप वैसे तो काबली चने डालते हैं, आप चाहें तो थोड़ा चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन काबली पुलाव जो ओरिजिनल है वो काबली चनों के साथ बनता है और बहुत ही मजेदार होता है। और इसे आप सर्व करते हैं किसी रायते के साथ, थोड़ा सा कचूमर बना लें उसके साथ सर्व कर दें, या कबाब वगैरह के साथ सर्व करें। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन सही की और उसके मसाले वगैरह सही तरीके से डाले तो आपका खाना ऐसा मज़ेदार बनेगा कि आप चमचे से सिर्फ पुलाव ही खाते रहेंगे। सादा सा, सिंपल सा, हर तरह के लोग, बच्चे बड़े सारे लोग जो है इसे इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए कि काबली पुलाव जो है सिंपल होता है, सादा होता है, और इसे आपको खाने में कोई ज़्यादा, इसलिए कि बहुत सारे लोग मीट पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन पुलाव है। और इस पुलाव को बनाने के बाद ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होता, तो इसे आप लंच बॉक्स वगैरह में भी डालकर दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, हरे मसाले नहीं होते, सिंपल सा बना हुआ होता है। ठीक है जी, पुलाव बनने जा रहा है और प्याज हो रही है ब्राउन, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा काबली पुलाव ब्रेक, फिर वापस आते हैं। शू सफेद चने बॉयल आधा किलो, सीला चावल आधा किलो, दही एक कप, प्याज एक अदद, अदरक लहसुन पेस्ट दो खाने के चमचे, पुलाव मसाला दो खाने के चमचे, चिकन क्यूब दो अदद, प्याज ब्राउन एक अदद, घी चार से पाँच खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका।
पुलाव मसाला बनाने के लिए साबुत काली मिर्च 2 खाने के चमचे, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चमचे, दालचीनी 3 डंडियां, छोटी इलायची 10 अदद, काला जीरा 2 खाने के चमचे। पुलाव मसाला बनाने का तरीका, तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। ये मसाला 2 किलो के लिए है। तरकीब, चावलों को साफ करके 2 घंटों के लिए भिगो दें। अब पैन में तेल गरम कर लें और इसमें प्याज को फ्राई कर लें और अदरक लहसुन शामिल करके भून लें। अब इसमें दही और पुलाव मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं। अब इसमें सफेद चने शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें भिगोए हुए चावल, चिकन क्यूब और हस्ब जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि चावल तैयार हो जाएं, तो दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और ब्राउन प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं और पुलाव बन रहा है काबली पुलाव, और बनाना के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, अब तक आपने नहीं सुना होगा कि बनाना का कहवा बना के या चाय बनाकर आप पिए और आपकी जो है नींद की दवाइयां सारी खत्म हो जाएंगी, अब आप आराम से सुकून से सो सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ चलते हैं और जबरदस्त से हमारे प्याज जो है वो ब्राउन सी हो गई है, और इसके बाद अब इसमें हमने चीजें शामिल करनी है, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये आ गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ जो मसाला हमने बनाया था पुलाव मसाला, वो हम शामिल कर रहे हैं इसमें, और ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/2 किलो के लिए 2 खाने के चमचे, और इसे इसके साथ 2 चिकन के क्यूब भी शामिल कर दिए और दही भी शामिल कर दिया। अब इसे हम भून लेंगे और उसके बाद फिर बाकी चीजें ऐड करेंगे इसमें। और हमारे पास जायदा हैं कराची से। सलाम अलैकुम जायदा, कैसे गुजर है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्लाह गुजार भाई। तो ये आपने काबली पुलाव जो बना रहे हैं इसका जी मसाला जी रिपीट कर दीजिएगा जो बनाए हैं। बिल्कुल, अभी कार्ड चलेगा, अभी आप कार्ड भी देख लीजिएगा, मैं वैसे रिपीट कर दूंगा आपको। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने अभी प्याज का बताया कि ढकना ढक के जी, तो मैंने एक दफा की तो ना नरम रही मेरे प्याज। नहीं, आँच स्लो मत कीजिएगा, आँच तेज रखिएगा, आँच तेज, हाँ तेज आँच पर कीजिएगा, वरना अगर स्लो किया तो फिर वो पानी खुद निकल आएगा। ये तो मैं हैरान हूँ, मैंने कहा एक दफा आपने पहले भी बताया था किसी शो में, तो मैंने वैसे ही किया था, प्याज नरम। इससे क्या होगी कि थोड़ी सा थोड़ा सा नमक छिड़के, नमक भी डाला था मैंने, और उसके बाद ढकना लगाए तेज आँच पर बनाए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ढकना खोलें, देखें आप प्याज जल्दी आपकी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, टाइम ज्यादा खर्च नहीं होगा आपका, और यकसा ब्राउन होगी। ठीक है, एक जैसी ब्राउन होगी। ठीक है, जवाब दे दूं जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। पूछा ना गरम मसाले में कितनी चीजें? नहीं नहीं, मैंने ये पूछा था कि जो शान नमक का या मसालों का एक कमर्शियल अभी चल रहा है ना, उसमें मसाले दिखाए जा रहे हैं तकरीबन 6 किस्म के मसाले हैं, उसके नाम आपने बता देने। ठीक है, हल्दी जी, लाल मिर्च जी, धनिया जी, गरम मसाला जाफरानी गरम मसाला जी, नमक जी, और अल्लाह भला करे मेथी, सूखी मेथी, सूखी मेथी, यस बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फेवरेट है मेरी मेथी। अच्छा ठीक है, आप यूज करती हैं वैसे? करती, मैंने भी परसों बनाई थी आलू मेथी जी जी, मैंने डाली जबरदस्त जबरदस्त, फ्रेश भी ले थोड़ी आप है ना, मतलब इसका नानी कहती थी मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर्दियों में और गर्मी में। तो वैसे एक जीरा और एक मेथी तो मेरी फेवरेट है, और मेथी दाना या मेथी जो है ना, और शुगर पेशेंट अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, आप उस दिन बता रहे थे गुजार में, सॉरी मुझे ना वो भी पूछा था, मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो आपने भिंडी का बताया था जी, भिंडी रात को, तो ये ना रात को भिगो के सुबह ही पीनी है, डेली करना है क्या? डेली डेली रोजाना। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखिए, मुझे याद नहीं था आपसे पूछना, इंशाल्लाह मैं करूंगी। आपने भिंडी को धोकर, भिंडी को धो लें, बीच में से चीरा लगा दें, 2 से 3 भिंडियां जो है रात को पानी में भिगो दें, ढकना लगा के रख दें रात को, और सुबह जो है उसे पानी पी लें और वो भिंडी भी खा लें साथ में। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो है हमारे पास मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ काबली चने। चने सामने ये जी, इसको हमने बॉइल करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, और सारे मसाले डालने के बाद काबली चने हमने डाल दिए। डालने के बाद इस वक्त मैं शामिल करूंगा इसमें राइस, सेला राइस अगर है तो उसको 2 घंटे कम से कम भिगो के रखने हैं आपने, अगर सेला राइस है, और अगर बासमती राइस है तो उसे आप 1/2 घंटे, इससे ज्यादा मत भिगोएं, वरना मजेदार राइस तैयार नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये मैंने
पानी डाल दिया और अब इसे लेवल करूंगा, ठीक है जी। और आज एक आपको टिप्स और दे देता हूं, देखें अभी मैंने पानी डाला है, ठंडा पानी है ये, तो इसलिए आपके हाथ भी खराब नहीं होगा। और इतना पानी डालना है कि कैमरे को मैं कहूंगा जरा करीब ले आए, ठीक है। और ये जो जिसकी उंगली बड़ी छोटी हो उसकी परवाह नहीं है, ये जो उंगली होती है इसकी जो पहली लाइन होती है, उंगली में दो लाइनें होती हैं, देख लें, ये पहली वाली लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी वाली लाइन है। पहली वाली लाइन जितना पानी, यानी कि चावल पे आपकी उंगली जब चावलों पे टच करे तो पहली लाइन जितना पानी होना चाहिए, पुलाव का बेहतरीन रेशियो है ये। अगर आपको डर लगता है इसमें उंगली डालने में तो किसी भी लकड़ी पर ऐसे करके उंगली रखें और इस पर निशान लगा लें, ठीक है, उंगली ऐसे रखें और निशान लगा लें। आप फर्ज करें यहाँ तक का निशान है, यहाँ तक इसको डुबोएं और पानी को चेक करें, यहाँ तक है, ठीक है, तो आपका कभी भी रेशो ऊपर नीचे नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चावल हो के अंदर पानी ज्यादा या कम हो जाता है पुलाव का, ठीक है जी। और ये जब आपने कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे पास कॉलर है मिसेस सलीम फ्रॉम लाहौर। लाहौर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बड़े अच्छे खाने हैं, बहुत शुक्रिया। और खसूसन जो लीमू का पौधा है ना, उसने तो चार चांद लगा दिए आपके है। कहते लीमू को जोड़ा बागे बीचो तोड़िया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। और सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ जी। कोई फरमाइश नहीं, आप सब फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, सब बगैर कहे। नहीं, बड़ी मोहब्बत है आपको बुलाना, बस बहुत मोहब्बत है आपकी और इतनी मोहब्बत से आपने कॉल की है जी। गुलजार भाई, हकीम साहब को भी बुलाना अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह नजीर साहब, हकीम साहब को। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उनको भी बुलाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस आप फरमाइशों के बगैर ही चलते हैं, इतना अच्छा खाना पकाते हैं, इतना कुछ, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी पूरी आज एंटरटेनमेंट की टीम को। बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। बहुत शुक्रिया, ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गरीबों की एनर्जी ड्रिंक हमारी, जो वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने मसल्स को मजबूत, वजन नहीं बढ़ेगा इससे, मसल्स मजबूत होते हैं। और वो लोग जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये जबरदस्त सी एनर्जी ड्रिंक है। वापस आने के बाद दो केलो का, आपने कुछ भी नहीं आपके पास, सिर्फ दो केलो का पानी डालकर एक ड्रिंक बनाए या दूध अगर आपके पास है उससे बना लें। मैं जो चीज बना रहा हूँ वो बहुत ही एनर्जेटिक है, फौरी तौर पर आपकी एनर्जी बहाल करेगी, आपको फुल ताकत देगी। इसके अंदर बेतहाशा विटामिन मौजूद हैं, इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं। औरतों के लिए खास तौर पर अगर पूरे दिन काम करने के बाद थक जाती हैं तो उसके बाद लास्ट टाइम में आपको जब थकन हो जाए, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, अब आपके हस्बैंड आने वाले हैं घर पर, उससे पहले इसका ड्रिंक बनाकर पी लें तो इंशाल्लाह आपकी एनर्जी आएगी। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे आपके इसमें, मैंने इसमें केले डाल दिए हैं, दूध शामिल कर दिया है और ये है मेरे पास लेमन जूस, इसकी अफादियत को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक चाय के चमचे ये डाल दिया हमने। और यहाँ मेरे पास है शहद, ये हमने शामिल कर दिया एक खाने का चमचा, ठीक है जी। और इसे आप ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार करके, और ये आप अगर जब भी आपको पियेंगे आपकी एनर्जी फौरी तौर पर बहाल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं कोई आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपके हड्डियां मजबूत होंगी। ये इंसान के हड्डियों के अंदर ताकत पैदा करता है, जो ग्रोथ छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको बनाकर दलिए के साथ इसको मैश करके दें बिल्कुल छोटे बच्चों को, ताकि वो शुरू से उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनका इम्यून सिस्टम जबरदस्त हो, उनका मैदा जबरदस्त हो, फुल्ली एनर्जेटिक हो बच्चे। ये सबसे सस्ता हल इस वक्त, सबसे सस्ती एनर्जी आप लोगों के लिए है, ठीक है जी। और ये हमारे पास ड्रिंक तैयार हो चुकी है और इसका जो कहवा बनेगा ना, जो आपके रात की नींद का मसला हल करने वाला है, वो भी आपने प्रोग्राम के एंड में जरूर देखना। ये मैं खूबसूरत से गिलास में इसे डिश आउट कर रहा हूँ और इसमें मैंने आपके सामने गार्निशिंग के लिए गाजर लगाई। इस तरह से बच्चों को रागिब करें, मज़ेदार मज़ेदार ड्रिंक बना कर दें, खूबसूरत सा बना कर दें, ताकि वो लोग इंजॉय करें। टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा बनाना ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
काबुली पुलाव, अज्जा, सफेद चने बॉयल आधा किलो, सेला चावल आधा किलो, दही एक कप, प्याज एक अदद, अदरक लहसुन पेस्ट दो खाने के चमचे, पुलाव मसाला दो खाने के चमचे, चिकन क्यूब दो अदद, प्याज ब्राउन एक अदद, घी चार से पाँच खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पुलाव मसाला बनाने के लिए साबुत काली मिर्च दो खाने के चमचे, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, सौंफ दो खाने के चमचे, दालचीनी तीन डंडियां, छोटी इलायची दस अदद, काला जीरा दो खाने के चमचे। पुलाव मसाला बनाने का तरीका, तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। ये मसाला दो किलो के लिए है। तरकीब, चावलों को साफ करके दो घंटों के लिए भिगो दें। अब पैन में तेल गरम कर लें और इसमें प्याज को फ्राई कर लें और अदरक लहसुन शामिल करके भून लें। अब इसमें दही और पुलाव मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं। अब इसमें सफेद चने शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें भिगोए हुए चावल, चिकन क्यूब और हस्ब जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि चावल तैयार हो जाए तो दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और ब्राउन प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार काबली पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे होंगे धुआंधार काबली पुलाव जो है तैयार हो रहा है, और इसके बाद मैंने आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक बनाई है। और खाएं पिएं, एनर्जी लें, और सस्ता यानी कि बनाना से आप अपने पूरी जिस्म में, हड्डियों से लेकर आप अपने इम्यून सिस्टम से लेकर आप अपने दिफाई सलाहियत से लेकर दिमागी सलाहियत तक सारी चीज़ों को ये कवर करता है। सबसे सस्ता दुनिया का जो है एनर्जी ड्रिंक है, या एनर्जी के लिए ये बेहतरीन फ्रूट है आपके लिए, ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, वो है काबली हलवा। दोनों चीज़ें बड़ी एनर्जेटिक हैं, और काबली चने जो होते हैं ये भी बहुत ही फायदेमंद और ज़बरदस्त आपकी सेहत को मजबूत रखने के लिए जबरदस्त चीज है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे मुख्तलिफ रेसिपीज के अंदर भी यूज करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं रानी फ्रॉम पिशावर। सलाम अलैकुम रानी। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। रानी आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, और मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, और निहारी बना दे सर। निहारी ना, बिल्कुल इंशाल्लाह, मैंने दो तीन चार रिक्वेस्ट आई है निहारी के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे निहारी बनाना सिखा दें आपको। और आप बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी नाचते हैं। बहुत शुक्रिया रानी, आपने बहुत अच्छी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपके साथ हंसते खेलते शो को करते रहेंगे, ठीक है ना? और मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर रोज, लेकिन मेरा कॉल नहीं मिलता। कॉल नहीं मिलती ना। चले आज आपकी कॉल मिल गई, अगर कुछ कहना चाहती हैं और हमारे बारे में। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ना। कॉल लग गई आपकी खुशी से। हेलो जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का और इतनी तारीफ का जी। नाजरीन तो यहाँ हम काबली हलवा बनाने जा रहे हैं। हमने लिया घी, और एक प्लेट में हमने घी डाल दिया एक बर्तन के अंदर, और इसमें हम इलायची के दाने कूट कर डाल लें। छोटी इलायची के दाने ले लें, बड़ी इलायची के दाने जो आपको पसंद हो वो आपने डाल देना है पहले, और इसमें हमने कड़कड़ा लेना, ठीक है जी। जब तक ये कड़कड़ा रहा है, इधर मैंने आधा किलो तकरीबन चने लिए थे, काबली चने, सफ़ेद वाले चने, उसे हमने थोड़ा सा बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद फिर इसमें दूध डाला, दूध डालकर फिर बॉइल्ड किया ताकि ये दूध और चने दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। जब ड्राई हो गया उसके बाद हमने इसको पीस लिया। पीसने के बाद इसे हमने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब हम इसे जो घी है जिसमें हमने इलायची के दाने कूट कर डाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे चने, ठीक है। चने का अमेजा जो चॉपर के अंदर डालकर हमने इसे पीस लिया था, ताकि इसको हम जब भूने तो इसमें घी की और इलायची की खुशबू आ जाए। खुशबू बहुत ज़रूरी है, जब तक चनों में एक अपना दाल हो, चने हो, इनमें अपने अपनी एक खुशबू होती है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, ताकि हलवा जो है ना, हलवे में सबसे अहम चीज़ या मेहनत जो होती है वो आपके हाथ से मिक्स करने की, बनाने की होती है, ठीक है जी। चलें जी, इसको हम जब तक भून रहे हैं, साथ साथ हमारे जो है पुलाव भी तैयार हो रहा है, और पुलाव को भी थोड़ी देर बाद हिला जुला कर लें, ठीक है जी। ओके, बड़ी पुलाव की
ओह माय गॉड, हमारे पास अफशा हैं फैसलाबाद से, हेलो मुल्तान से, जी अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अफशां की कॉल जो है मुल्तान से थोड़ी देर में आएगी, जरा फ्लाइट स्लो हो गई है। ठीक है जी, सॉरी, दोबारा जरूर ट्राई कीजिएगा अफशां, इसलिए कि मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है जी, और इस वक्त जब आप इसको थोड़ा भून लें अच्छी तरह से, आपको खुद ब खुद इसकी बड़ी मजे मजे की खुशबू आने लगेगी, तो उस पर फिर आपने शामिल कर देना है चीनी चीनी, ठीक है जी, और भूने जरूर अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, खुश्क होना चाहिए बिल्कुल, दूध इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए जब आप चने और दूध को बना रहे हो, बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर ठंडा करने के बाद चॉपर में आपने इसको चलाना है, दानेदार सा बनेगा तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। बहुत ज़्यादा पेस्ट मत बनाइएगा, हलवे का मज़ा उस वक्त है जब दानेदार रहे थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपने शामिल कर देना है चीनी हसब ज़रूरत, कम ज़्यादा आप जितना पसंद करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है जी। और ये हलवा आपको अगर एक दफ़ा कहते हैं ना मुंह को लग जाए तो फिर बंदा बार बार, और ताकतवर हलवा है ये, बच्चों को बड़ों को दोनों को, इसको हमारे जो पुराने ज़माने में दादा दादियां होती थी ना वो कहते थे कि ये हॉर्स पावर, यानी कि इसको खाने से इंसान घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। तो चने, चने की दाल, ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल हम भूलते जा रहे हैं, हम ज़रा फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, बच्चों को हम खिलाते नहीं और फिर शिकायत करते हैं कि जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो ज़रूर खिलाया करें किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हलवा तैयार हो रहा है, टाइम हो गया है हलवे का, नहीं नहीं ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। काबुली हलवा, अज्जा काबुली चने बॉयल 300 ग्राम, दूध 1 किलो, चीनी 1 पाव, खोया 1 पाव, बादाम पिस्ता आधा कप, खोपरा कद्दूकस 1 कप, छोटी इलायची दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब, काबुली चनों को धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकाल कर खुश करके दूध में डाल दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूनें कि चनों का कच्चापन खत्म हो जाए और इसका रंग सुर्खी मायल हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही नारियल कद्दूकस करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकालें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मजेदार काबुली हलवा तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ चार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं और वो हमने बनाया काबुली पुलाव। और ये देखें काबुली पुलाव जबरदस्त खूबसूरत से कलर में, मैंने ये किया है कि इसके ऊपर जैतून, हरा और काला जैतून जो होता है वो हमने डाल दिया है, थोड़ी सी गार्निशिंग की है और सिंपल गार्निशिंग के साथ इसे हमने तैयार कर लिया है। आइए चलते हैं हलवे की तरफ, और हलवा जो है वो इस वक्त फाइनली तैयार हो रहा है। और ये देखें जी, पहले के कलर में और आपके कलर में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा क्रिस्टल सा हो गया ये। जब ये क्रिस्टल सा हो जाए खूब अच्छी तरह से भूने पूरे टाइम, और उसके बाद जब ये इस पोजीशन में हो जाए इसके अंदर आपने शामिल कर देना है खोया, खोया खोया खोया, खोए को थोड़ा सा चूरा करके डालें, बहुत ज़्यादा मेल्ट करके ना डालें, चूल्हा थोड़ा सा नज़र आना चाहिए ये बारीक बारीक सा हलवे के अंदर, ठीक है जी। और ये मिक्स किया हमने, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी है, मैंने थोड़ा बादाम इसके अंदर भी डालूंगा, थोड़ा पिस्ता डालूंगा, थोड़ा सा खोपरा भी डालूंगा, ठीक है, ये बीच में भी आए और इसके ऊपर से गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसके अंदर भी चला जाए हलवे के और इसके ऊपर भी गार्निशिंग में भी आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा खोपरा और डाल देते हैं, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से, और फाइनली ये हलवा हमारा तेल छोड़ चुका है, आपको ग्रीस नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने घी डाला था, घी छोड़ चुका है ये। और इसके बाद इसे आप किसी पायरेक्स की डिश या स्टील की जो डिश होती है उसमें आप लगा दें, ताकि इसे आप बाद में ठंडा होने के बाद पीसेस काटें और सर्व कर दें, ठीक है। मिसेस जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम।
मिस्टर जावेद अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह ताला। जी जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 मिसेस जावेद क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से देख रही हूँ। जी जी और आपका जो ना प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तारीफ करना चाहती हूँ। ये जो मसाला चैनल पे देखती थी पहले, जी जी जी, अभी जो है वो आज मैंने जो लगाया था, आज काफी 10-12 हो गए हैं तो उसमें लगाया तो मैंने देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ज्यादा जो है वो सब कहते हैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आप सब फैमिली, पूरी फैमिली बैठ के देख सकते हैं आपका प्रोग्राम। सबको, सारी फैमिली को मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम असलाम। तो मैं कुछ अपनी रेसिपी अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो कैसे करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे आज इंटरटेनमेंट की जो फेसबुक है उस पर आप भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसको शामिल कर दूंगा अपने उसमें शो में। जी ठीक है, आज का प्रोग्राम आपका बहुत जबरदस्त है। अभी एड्रेस एड्रेस नीचे चल रहा होगा आज इंटरटेनमेंट का, ठीक है? जी 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 जी, जिस पर जरूर भेज दिएगा। और मेरी मुझे जो है वो बहुत ज्यादा जो है बहुत मैं क्रेजी हूँ ये सारी चीजों की। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत बनाती रहती हूँ माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त कुकिंग मेरी भी है, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, और आपने इतनी अपना याद रखा आपने, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपके पानी बॉइल्ड हो रहा है, मैंने कहा था आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपने पहली दफा सीख रहे होंगे, ठीक है जी। ये आपने लिया है केला, नॉर्मल जो आम केला होता है, कच्चा पक्का नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाला जो केला होता है, ये आपने लिया। इसको आपने दोनों हिस्सों को साइडों से काट लिया और इसे छील लिया हाथ से, ठीक है जी। और इसके बाद इसके आपने किए पीसेस, ठीक है। यहाँ पानी बॉइल्ड हो रहा है, इस पानी बॉइल्ड वाले में इसको हमने डाल दिया। तकरीबन टाइम देखकर 5 मिनट आपने इसको बॉइल्ड करना है, 5 मिनट पूरे। 5 मिनट बॉइल करने के बाद इसको आपने छान लेना है, छान कर इसे आपने अपने क्या नाम है डिश में निकालना है। डिश में निकालने के बाद किसी भी प्याले के अंदर इसको आपने डिश आउट किया, और इसको आप रात को सोने से पहले अगर आपने ये पिया तो इंशाल्लाह आपकी जो दूर हो जाएगी, जो आप अक्सर नींद की प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ खाते हैं आपको नींद नहीं आती है, थोड़ा रेगुलर इस्तेमाल करके देखिएगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से फिर इंशाल्लाह आपको रिलैक्स हो जाएगा। शुरू में थोड़ी सी जो नींद की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए लेते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा इंशाल्लाह आपको। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरती चीज़ें डाली हुई हैं जो इंसान को नींद की प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है और इंसान पुरसकून नींद ले सकता है। ये आपको मैंने ज़बरदस्ती टिप दे दी है इसकी चाय। मेरे पास टाइम कम है तो मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है जी। और इस तरह से आप 1 कप या 2 बनाना ले लें, 2 कप बनाएं, खुद भी खाएं और अपने हस्बैंड को भी पिलाएं, ठीक है जी। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हलवा जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, और खूबसूरत से कलर में काबली हलवा और ये ड्रिंक और बनाना। बनाना के बारे में एक और आखिरी टिप जो है वो भी आपको देनी है, वो क्या है कि अगर किसी को मैदे की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी, जो किसी भी हालत में ख़त्म नहीं हो रही है, 2 किस्म की प्रॉब्लम होती है, एक तेजाबियत होती है, एक जो है इंसान को दस्त की बीमारी होती है, ज़रा से भी बद एहतियाती करें तो उनको मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है और उनको दस्त लग जाते हैं। इस टाइप के लोगों के लिए ख़ास ये टिप है, और इसे आप अपने पास लिख कर रख लें, खुद भी या दूसरों को भी बता सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी टिप बताऊं, मेरे पास कॉलर है एनी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, इतनी मुश्किल से आपकी कॉल लगी है कि तकरीबन आप समझ लें 200 से अबव कॉल करिए तब जाके आपको कॉल लगी है। मुझे 100% यकीन है आप पर, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं खुद भी लाइव कॉल में जब कॉल मिलाता हूँ 100-100 दफा मिलाने पड़ते हैं जब जाकर कहीं लगती है कॉल। बहुत ही मेहरबानी और बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत से कॉल आपकी लगी है। जी क्या कहना सर, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक फरमाइश है। जी जी,
सर मेरे मतलब बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ मतलब फ्रोजन आइटम्स में आप मुझे चीजें सिखा दीजिए। बिल्कुल मैं इसके लिए बिल्कुल मेरी बिल्कुल इसके मतलब ये मेरी बहुत दिली आपसे एक रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं बिल्कुल मैंने इसको नोट कर लिया, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लंच बॉक्सेस की जो रेसिपीज है ना वो खास तौर पर मुझे जो है लोग बहुत कहते हैं, जहाँ पर भी मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ तो वहाँ जरूर लोग कहते हैं कि जो है हमें जरूर सिखाएं, ठीक है ना। बिल्कुल सर माशाल्लाह आपका शो इतना अच्छा है, मैं कभी कुकिंग में ना कोई दिलचस्पी रखती थी ना मैं देखती थी, अच्छा सिर्फ आपका मैं शो देखती हूँ और बकायदगी से देखती हूँ, बच्चों को डांट के कोने पे बिठा देती हूँ ना, खाना मांगना ना कुछ मांगना, मैं शो देखती। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं हर हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर रखता हूँ कि जिसमें मैं कुछ ऐसी चीजें सिखाऊं जो लंच बॉक्सेस वगैरह। सर मैंने आपका कोकोनट का मीठा भी ट्राई किया था और सबको बहुत पसंद आया हमारे यहाँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका एनी, और इंशाल्लाह जुड़े रहिए, फेसबुक पर भी रहिएगा, आज एंटरटेनमेंट के बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे और आज विनर जो है उनका भी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह फेसबुक पर हम जरूर कर देंगे। जाते जाते लास्ट आपको रेसिपी बताता चला जाऊं जो मैदे के बारे में, जिनको फौरी दस्त लग जाता है, पेट खराब हो जाता है, उनके लिए कि ये जो केला है इसको छिलके समेत, याद रखिएगा छिलके समेत वॉश करना है इसको, छिलके समेत इसे नहान मुंह खाना है। थोड़ा खाने में प्रॉब्लम जरूर होगी आपको, लेकिन छिलके समेत ये जबरदस्त टोटका है, ये टिप है आपके लिए, छिलके समेत खाना है। एक छोटा सा केला ले लें जितना आप खा सकते हैं, उसके हिसाब से इसको खा लें तो इंशाल्लाह आपकी जो सारी प्रॉब्लम है मैदे की वो सारी खत्म हो। आधे घंटे तक खाना नहीं खाना, उसके बाद आधे घंटे के बाद खाना खा लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी और टिप्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।